बल्किंग। सिंपल सी बात है, एक कैलोरीज का नंबर होता है जिसे ज्यादा खाने पर वेट एंड मसल मास गेन होता है, और अगर उससे कम खाया तो फैट लॉस और थोड़ा बहुत मसल मास भी लूज होता है। बस एक दिक्कत है, पैसे। पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं। अब इतना कुछ खाना है तो खरीदना तो पड़ेगा ही, जिससे आपकी जेब खाली हो जाएगी। यकीन मानो, सिर्फ एक पैकेट प्रोटीन लेने के बाद खुशी तो होती है, लेकिन फिर गरीब जैसा महसूस होता है। अब कुछ लोग के लिए बल्किंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन बाकियों के लिए, जैसे मैं खुद जो कि एक हार्ड गिनर हो, उनके लिए बल्किंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? पहला रीज़न, ड्यू टू फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना खाते हैं, हमें फिर भी वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा कारण, अब ज़्यादातर लोग के एपेटाइट्स बहुत कम होते हैं, हम दिन भर खाना नहीं खाते रह सकते, ऑलमोस्ट 5 to 6 मील पर डे, वी जस्ट कांट। तीसरा कारण, द कुकिंग टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे दूसरे रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में, जैसे वर्क, जॉब, स्टडी, जो कि दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर बात जब बल्किंग की हो। तो बल्किंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है? डोंट वरी भाई, ये वीडियो इसलिए ही। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के थ्रू जो बल्किंग प्लान सेट किया है, वो इन क्राइटेरिया पे बेस्ड है। फर्स्ट, रिलेटिवली हेल्दी, इजी टू मेक, हाई कैलोरीज विद हाई प्रोटीन, और सबसे ज़रूरी बात, चीप। अब मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो इसमें जो भी मील होने वाले हैं वो सारे मील बजट पे होने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें एक टिपिकल इंडियन डाइट होने वाला है, यूजुअली जो भी आपके घर में बनता है वो सब इसमें होने वाला है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो लास्ट मील होने वाला है वो आपके बल्किंग के लिए एक हैक होने वाला है। और अगर इनमें से मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं उनकी लिस्ट स्क्रीन पर डाल दूंगा। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, अब वक्त आ गया हमारे पहले मील का। इसके लिए आपको चाहिए 80 ग्राम ऑफ ओट्स, आधा लीटर दूध, 2 टेबल स्पून ऑफ हनी, 30 ग्राम ऑफ पीनट बटर, 1 स्कूप वे प्रोटीन और 1 केला। और सबसे जरूरी चीज, बॉर्नविटा। मैं माई फिटनेस पैल नाम का एक ऐप यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे अपने कैलोरीज ट्रैक करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस मील के मैक्रोज हैं 62 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 148 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 30 ग्राम ऑफ फैट। इसी बना यार, यही चीज़ मैंने कृष्णा को भी पिलाया था और उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, है ना कृष्णा? यही तो कारण है कि मैं इसमें बॉर्नविटा मिलाता हूँ, ताकि ये टेस्टी बने, फिर जाकर कृष्णा को ये बहुत ज़्यादा ये पसंद है ना कृष्णा? It's good. वाकई में अच्छा बना, टेस्टी है। तो वक्त आ गया हमारे दूसरे मील का। सिंपल है, इसके लिए हमें चाहिए 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 चम्मच पीनट बटर और आपका सैंडविच रेडी है। इसके साथ हम खाएंगे 4 उबले हुए अंडे। हमारे पास ब्रेड है, विच इज गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू ओट्स, जो कि हमें दिन भर सस्टेनेबल एनर्जी देगा। एंड वी हैव एग एंड पीनट बटर, जिससे हमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और हेल्दी फैट मिलेगा। तो इस मील के मैक्रोज है 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 44 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 37 ग्राम ऑफ फैट। नाउ लेट्स प्रिपेयर आवर थर्ड मील। इसके लिए आपको चाहिए 300 ग्राम ऑफ कुक्ड राइस, 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट और इसके साथ हम खाएंगे 1 कटोरी दाल। अब इस मील में आप सैलेड भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको एक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर देगा। वी हैव राइस विच इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ए कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि उसमें एक इसेंशियल अमाइनो एसिड्स लाइसिन की कमी होती है। और इसके साथ हम खा रहे हैं दाल, जो कि एक प्रोटीन सोर्स है, बट दाल भी एक कम्प्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मेथियोनाइन की कमी होती है। लेकिन जब हम दाल और चावल को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो दाल लाइसिन दे देता है, जो कि राइस के पास कम था, और राइस मिथोनाइन दे देता है, जो कि दाल के पास कम था। तो इस फूड कॉम्बिनेशन से हमारा प्रोटीन सोर्स कंप्लीट हो जाता है, पर फिर भी ये प्रोटीन और कार्ब्स का एक बैलेंस्ड रेशियो नहीं है, इसलिए हम इसके साथ 100 ग्राम ऑफ चिकन ऐड कर रहे हैं। तो इस मील के मैक्रोज हैं 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 119 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 16 ग्राम ऑफ फैट। तो वक्त आ गया हमारे प्री वर्कआउट मील का, जिसमें मैं खाता हूँ 2 केले, 1 स्कूप ऑफ क्रिएटिन एंड 1/4 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट फॉर बेटर पंप ड्यूरिंग वर्कआउट। 2 बनाना कंटेन्स 210 कैलोरीज। बनाना से हमें सिंपल कार्ब्स मिलेगा, जो कि हमें ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
इट्स अ डाइट वीडियो। बढ़िया वर्कआउट था, बट अब वक्त आ गया है हमारे पोस्ट वर्कआउट मील का। इसे बनाना बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए 200 ग्राम ऑफ राइस, 50 ग्राम ऑफ सोया चंक्स। सिंपली आप सोया को बॉइल कर लीजिए। बस एक पैन लीजिए, उसमें एक चम्मच घी या आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। और बस आपको राइस और सोया को पैन में डालकर मिक्स कर देना है। और हम इस मील में एक खास मसाला ऐड करने वाले हैं जो कि इस मील का टेस्ट बढ़ा देगा, शेजवान फ्राइड राइस मसाला। 2 मिनट तक उसे फ्राई कीजिए और आपका पोस्ट वर्कआउट मील रेडी है। और इसके साथ हम खाएंगे 100 ग्राम दही। तो इस मील के मैक्रोज हैं 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 77 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 9 ग्राम ऑफ फैट। अब वक्त आ चुका है हमारे बिफोर बेड हैक मील का। इसके लिए बस आपको चाहिए 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर। तो इस स्नैक के मैक्रोज हैं 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 21 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 9 ग्राम ऑफ फैट। तो आज की टोटल कैलोरीज हैं 3500। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।